भाई आपका 2000 बैलेंस नहीं 5000 भेजा था 1000 बैलेंस है। आप खाता बुक ऐप डाउनलोड क्यों नहीं करते हैं? आपके कस्टमर्स कोलकाता से और चेन्नई से भी है ना? हाँ तो खाता बुक ऐप अभी 11 भाषाओं में है। अच्छा खाता बुक ऐप अब खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं जापान का योकोहामा पोर्ट। यहाँ एक क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस पिछले कई दिनों से चर्चा में है। कोरोना वायरस की वजह से 3711 लोग पिछले कई दिनों से इसमें फंसे हुए हैं। इसमें करीब 220 लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं जिनमें से 3 भारतीय भी हैं। शिप में कुल 138 भारतीय हैं। वायरस आगे न फैले इसके लिए शिप को अलग रखा गया है। लोग इतने दिनों से फंसे हुए हैं तो पैनिक भी हो रहे हैं। इस बीच एक एडल्ट वेबसाइट ने यात्रियों के लिए पॉर्न स्टार के साथ फ्री वेबकैम सेक्शन का ऑफर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एडल्ट साइट के वॉइस प्रेसिडेंट डैरिन पार्कर ने कहा, वो लोग ना सिर्फ इन्फेक्शन के डर में जी रहे हैं बल्कि बोर भी हो रहे हैं। हमें भी क्रूज पसंद है लेकिन लोगों से संपर्क के बिना या बगैर किसी एक्टिविटी के बोरियत दुगनी हो जाती है। कोरोना वायरस से उनका ध्यान हटाने के लिए और बोरियत से बचाने के लिए हम यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए ऑफर दे रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट ने एक ईमेल आईडी जारी की है। साइट ने कहा है कि इस आईडी पर अपना टिकट भेजकर 1000 फ्री टोकन पाए जा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा। ये वेबसाइट इससे पहले फुटबॉल खिलाड़ियों को भी ऐसा ऑफर दे चुकी है। डायमंड प्रिंसेस क्रूज पिछले दिनों जापान के तट पर पहुंचा था। शिप से हांगकांग में उतरने वाले एक यात्री को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद जापान ने शिप को तट पर ही रोक दिया था। फिलहाल 19 फरवरी तक इसे अलग रखा जाएगा। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक चीन के हुबोई प्रांत में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1523 तक पहुँच गई है। चीन में कोरोना वायरस के कुल मामले 66,492 हो गए हैं। कोरोना वायरस अलग अलग देशों में फैल रहा है। कई देश अपने नागरिकों को चीन से बाहर निकाल रहे हैं। भारत ने भी चीन से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसके संभावित वैश्विक खतरे की चेतावनी दी है। वहीं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे नया नाम दिया है COVID-19। इसमें CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिसीज 19, इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत 2019 में हुई। WHO ने कोरोना वायरस को नाम दिया है NCOV 2019। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। कैमरे के पीछे है मोहन। थैंक यू। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।